शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे पर हमें जानना है कि दीदू ने मुन्ने को पहचाना या नहीं। अरे नहीं पहचाना। आपको कैसे पता? दीदू ने आपको बताया? वो एक्चुअली क्या है कि वो एक दोस्त है मेरा, वो पुलिस में है, तो मैंने उससे ही पूछवाया था तो उसने बताया। वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी ना, तुम श्रद्धा को लेकर इतनी टेंशन में थी इसलिए। लो जी, टेंशन तो सिर्फ इसे ही था, हमें तो बिल्कुल टेंशन नहीं था। कम से कम हमें तो बता देते। उस रात की कहानी आज यहीं खत्म। ये कहानी यहीं ऐसे खत्म नहीं हुई सर। अभय जी, शायद आपको ये लग रहा है कि कानपुर पुलिस के पास बहुत समय है, पर आपके केस के अलावा और भी क्राइम हो रहे हैं कानपुर में। सर मैं समझता हूँ आप जो कहना चाहते हैं। अगर आप समझते तो यहाँ पर नहीं आते। एक तो इतने दिनों से आप जिस गुंडे के पीछे पड़े हुए थे, जब वो हाथ आया तो आपकी पत्नी ने उसे पहचाने से इनकार कर दिया, केस क्लोज हो गया और अब आप आए हैं। सर मैं जानता हूँ आपने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की है और मैं शुक्रगुजार हूँ सर आपका, पर सर इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है। मतलब? मतलब ये सर कि उन गुंडों ने उसे कॉल करके उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उनके खिलाफ कुछ भी बोला तो वो उसके परिवार को हर्ट करेंगे। ले आइए भैया जल्दी, यहाँ नीचे रख दीजिए। श्रद्धा ये सब क्या है? ये ले। बेटा ये सब चल क्या रहा है? ये सामान क्या बात है? मम्मी आपको और पापा को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत की सारी चीजें मैं ले आई हूँ, अगर आपको किसी भी और चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज मुझे फोन कीजिएगा। बेटा वो सब तो ठीक है, मुझे सच सच बता कि बात क्या है, कल भी तुमने मुझे मम्मी मम्मी सब ठीक है, और आप कभी तो मेरी बात बिना सवाल जवाब के मान लिया कीजिए। लगता है आज हमारी बेटी का मूड खराब है। मूड ठीक है मम्मी, सॉरी मैंने आपसे ऐसे बात की। मम्मी मुझे आप लोगों की बहुत चिंता होती है, देखिए अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप आराम भी नहीं कर रही हैं। अरे बेटा दोनों बेटियों को ब्याह दिया, अब बस आराम ही आराम है, और अब उम्र ढल रही है तो ये सब तो चलता रहेगा। कुछ उम्र वुम्र नहीं हो रही है आपकी, प्रॉब्लम ये है ना कि आप अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखती, इसीलिए आपकी तबीयत हमेशा खराब होती रहती है। श्रद्धा दीदू, बबलू कैसा है? बबलू बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? स्कूल से कोई कंप्लेन तो नहीं आ रही ना तेरी? दीदी दिवाली की छुट्टियों में मैं पढ़ाई का नाम भी नहीं लेता, अभी मैं खेलने जा रहा हूँ, आपसे आके मिलता हूँ, बाय दीदू। सुन तुम्हारी फैमिली अभी मॉल से बाहर निकली है, अगर तुमने पुलिस को कुछ भी सच बताया तो यहाँ से तो निकलेंगे पर घर नहीं पहुँच पाएंगे। बबलू अब छुट्टियाँ चल रही हैं तो क्या हुआ? पहले पढ़ाई पूरी कर फिर घर पे ही रह के खेलना। पर दीदी 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 कुछ नहीं, इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, और तूने कहा था ना कि तुझे इस साल साइकिल चाहिए। हाँ। अगर इस बार तू अच्छे मार्क्स लेके आएगा तो मैं तुझे साइकिल गिफ्ट करूंगी। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। अभी अपने कमरे में जा और पढ़ाई पूरी कर। ठीक है दीदू, बाय दीदू। हे भगवान मेरे परिवार पर कोई आंच मत आने देना। सर आप खुद ही बताइए कोई अपने परिवार को क्यों मुश्किल में डालेगा? अपने परिवार का सोचकर वो घबरा गई, कोई भी होता डर जाता, पर आप जो हमसे चाह रहे हैं वो कानून तरीका सही नहीं, हम ये नहीं कर सकते। सर मैं जानता हूँ पर मेरी बीवी और परिवार मेरी जिम्मेदारी है। सर आप कानूनी तरीके से कुछ नहीं कर सकते, पर सर प्लीज एक एहसान कर दीजिए, बस उस गुंडे का एड्रेस दे दीजिए मुझे प्लीज। पर अभय जी। सर मैं उस गुंडे की आपको सारी खबर देता रहूंगा। सर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं और मेरी बीवी श्रद्धा दोनों आपको पूरा साथ देंगे उसे पकड़ने में। भाभी हमें लग रहा है आप पर भी संगत का असर हो रहा है।
पहले तो आप खाना फेंका नहीं करती थी, क्यों करती है इतनी मेहनत? जब आपको पता है कि लोग बाहर से खाना खाकर आते। अरे महारानी साहिबा, आप अभी अभी इस पास से आई है और अभी चल दिए? अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ? नहीं नहीं, हमें क्या तकलीफ होगी, और अगर होगी भी तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? मम्मी जी, रात को खाना हम घर पर ही आकर खाएंगे। अरे सुनो, वैसे हमें पता है कि तुम अपनी सहेली से मिलने के लिए बड़ी उतावली होए जा रही हो, पर जरा ठहरो, थोड़े हाथ पैर चला लो, थोड़ा काम कर लो। जाओ रसोई घर से ना प्याज और पालक लेकर आओ। रहने दीजिए कीर्ति, हम कर लेंगे। भाभी आप बैठिए, क्यों इतना बहू को सर पे चढ़ा रही है, पहले से इतनी चढ़ी हुई है। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? हम फिर से कह देते हैं कि रसोई घर से पालक और प्याज लेकर आओ, और हाँ प्लेट भी लेकर आना, वरना हम सब्जी काट कर सर पे तो रख नहीं पाएंगे। सहेली से बाद में मिल लेना, हाँ पहले रसोई घर से लेकर आओ। जाओ 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 जाओ, हाथ पैर चलाओ जरा, फिर जाओ सहेली के यहाँ पर। ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए आप, बिना रे तू। भाभी आप अगर हमारी बात मानेगी तो फायदे में रहेगी। क्या हुआ, कुछ पता चला? बोलिए ना, कुछ पता चला उनका? श्रद्धा, एड्रेस? अरे उन गुंडों का एड्रेस है, पुलिस वालों से बहुत मिन्नतें करी मैंने, फिर जाकर उन्होंने एड्रेस दिया। अब देखना, कॉलर से पकड़ के घसीट के लाऊंगा उनको तुम्हारे पास। हम दोनों मिलके उससे उगलवाएंगे कि किसने करवाया ये सब कुछ। थैंक यू, आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। श्रद्धा प्लीज, मैंने कहा था तुम्हें मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं उसके एड्रेस पे भी गया था, पर ये बुआ जी को भी ना हर मामले में टांग अड़ानी होती, जब मुंह खोलती कड़वाई बोलती है, पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती है। खुद पे बैठ के फ्री का खाएंगी और ऐसे दिखाएंगी जैसे पूरे घर की मालकिन हो, पर हमें ज्ञान देने चलिए। हाँ रखो ये सब। कीर्ति आते वक्त ना प्लेट भी ले आना, प्याज काट के क्या हम अपने सर पे रखेंगे? हम लेट हो रहे हैं, अब इतना सारा काम फैल गया, क्या करें? हमारी ड्रेस भी गंदी हो गई, दाग लग जाएगा। हम ना पहले ड्रेस चेंज करके आते हैं। अरे तो बुआ जी बैठी होंगी, फिर पकड़ लेंगी। किधर से जा, पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। रे कीर्ति, कितना टाइम? अरे कहाँ चली गई कीर्ति? आप ऐसे गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? किसने कहा था आपको ऐसे हीरो बनने के लिए? कितने खतरनाक लोग हैं वो, आपको कुछ हो जाता तो? श्रद्धा मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? और ऐसे भी वो एड्रेस पे मिले नहीं, तो फिर अब? एक पान वाले का पता चला है, उसके पास सबकी खबर रहती है। उसकी दुकान पे गया था पर उसकी दुकान भी बंद थी, कल फिर से जाऊंगा तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। श्रद्धा अंकल आंटी को कुछ नहीं होगा, और अगर उन गुंडों के पकड़े जाने से पहले बबलू के स्कूल खुल गए तो मैं उसे रोज लेने और छोड़ने जाऊंगा।
ठीक है, तुम टेंशन मत लो। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।